नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से शुरू हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला क्रिकेट इतिहास का एक सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बन चुका है। यह मुकाबला लंदन के ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है। यूं तो इस ग्राउंड पर कई मुकाबले खेले जा चुके हैं, मगर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल अपने आप में एक स्पेशल और अलग मुकाबला है। इस फाइनल टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला कैसे है। दरअसल कल से शुरू हुए इस मुकाबले में सबसे पहले तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय कप्तान द्वारा 2014 के बाद पहली बार गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इससे पहले हमेशा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था भारतीय कप्तान ने। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करना शुरू किया और ख़राब शुरुआत के बावजूद एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। अब देखना है कि भारतीय टीम दूसरे दिन के खेल में कमबैक कर पाती है या फिर नहीं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 146 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओवल के मैदान पर जून के महीने में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस महीने में कभी भी ओवल ग्राउंड पर मुकाबला नहीं खेला जाता है। इससे पहले 1982 में 7 जुलाई को मैच खेला गया था, जो कि जून से सटे सबसे जल्दी मुकाबला खेला गया था, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था। वहीं 41 साल बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। ओवल के मैदान पर चैंपियनशिप के फाइनल को मिलाकर अब तक 105 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 88 मैच अगस्त में, 8-8 मैच जुलाई और सितंबर के महीने में खेले गए हैं। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 38 मैच जीती है, तो वहीं 29 टीम को पहले फील्डिंग करते वक्त जीत मिली है। वहीं 37 मुकाबले ड्रॉ भी खेले गए हैं। इस मैदान पर सबसे ज़्यादा मेज़बान टीम इंग्लैंड ने 58 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 15, भारत और वेस्टइंडीज़ 6-6, न्यूजीलैंड 7, पाकिस्तान 4 और दक्षिण अफ्रीका 9 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस ग्राउंड पर टेस्ट मैच के पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 343 है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 304, थर्ड का 238 और चौथा का 156 है। तो इस एवरेज स्कोर के हिसाब से आगे तो भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला जो किया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गलती कर दी। हालांकि इतिहास को बदला भी जा सकता है और भारतीय टीम इस काम को कर सकती है। तो देखते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारत इतिहास को बदल पाता है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ऐसा कर पाएगा? आपका जवाब जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।